गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। इस चैप्टर में हम मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करेंगे। सेकेंड, हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, वो चीज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर्स, ये कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल व्हेन टू और मोर देन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड वी गेट अ प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ ईच मल्टीप्लाइड नंबर। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एंड 7, ये दो नंबर्स हैं, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। वी गेट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया 28। देन दिस प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ द ईच मल्टीप्लाइड नंबर। तो ये जो 28 है, ये मल्टीपल होगा 4 का भी और 7 का भी। ठीक है, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल होता है ईच मल्टीप्लाइड नंबर का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 90। 90 जो है वो प्रोडक्ट है, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया वो प्रोडक्ट है। अब ये जो 90 है, ये 90 जो है वो मल्टीपल है 9 का भी और 10 का भी। ये था हमारा मल्टीपल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। जब हमें कोई नंबर गिवन होगा और उसको उसका हमें मल्टीपल्स फाइंड करने को बोला होगा, तो वो मेथड जो है वो इस मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। मेथड क्या है? मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद द नेचुरल नंबर। जिस भी नंबर का आपने मल्टीपल्स निकालने हैं, उस नंबर को आप 1 by 1 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 up to so on, इन नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मल्टीपल निकालने हैं 3 के, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग, सॉरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि जिस नंबर जिस नंबर का आपने मल्टीपल निकालना है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर के साथ। जिस भी नंबर के आपने मल्टीपल्स निकालने हैं, उस नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू सोन, 1, 2, 3 up to so on तक। जैसे अब 3 के मैंने मल्टीपल निकाले थे, तो 3 को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 the 3, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 the 9, 3 को देन 4 से किया, 3 4 the 12, अप टू सोन। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करी जाएंगे तो हमारे पास फर्दर मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 6 9 12 जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं सारे क्या हैं, हमारे मल्टीपल्स हैं 3 के। ये जो है मेथड है कि किसी गिवन नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं हमेशा जब भी आप मल्टीपल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट इज एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। कोई भी नंबर हो वो खुद का मल्टीपल होता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अभी मैंने मल्टीपल निकाले 3 के, जब 3 के मल्टीपल्स निकाले तो कौन कौन सा आया, 3 भी आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, अप टू 16 से और नंबर भी आएंगे। बट जब मैंने 3 के मल्टीपल निकाले तो 3 भी तो आ रहा है ना। सो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द इट्सेल्फ। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप मल्टीपल निकालते हो तो वो खुद होता ही है मल्टीपल, इट्सेल्फ होता है वो। सेकंड है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द 1। हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल होगा 1 का। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर। जब भी आप किसी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो जो मल्टीपल्स आपके पास आएंगे वो गिवन नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। जैसे अभी 3 के आपने मल्टीपल्स निकाले, जब 3 के मल्टीपल्स निकाले तो मेरे पास क्या आया, 3 6 9 12 up to so on। 3 से सारे बड़े ही आ रहे हैं ना, या 3 के इक्वल आया एक और बाकी 3 से बड़े आए हैं, 3 से कम तो नहीं आया कोई। तो
तो जो मल्टीपल्स हम निकालते हैं वो हमेशा गिवन नंबर के इक्वल और उससे बड़ा ही होता है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इट सेल्फ, और जो सबसे छोटा मल्टीपल हम फाइंड करते हैं किसी गिवन नंबर का वो खुद ही होता है। अब जैसे 3 का मैंने मल्टीपल फाइंड किए तो सबसे छोटा मल्टीपल देखो इनमें से कौन सा है, 3 है ना, इट सेल्फ ही आ रहा है वो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, ये था मल्टीपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स के डेफिनेशन। अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर। वो नंबर जो डिवाइड करता है गिवन नंबर को कम्प्लीटली विदाउट लिविंग रिमाइंडर, कि कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 है, 30 को मैंने 6 से डिवाइड किया। ठीक है, जब हम 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो जब 30 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 5 30 ना, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना। अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर। दैट मीन्स जो 6 है वो क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर। सो यहाँ पे 6 जो है वो 30 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब इसके भी मेथड्स हैं आगे किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड जो है वो बाय मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड मेथड जो है वो बाय डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि अब जैसे बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो हमारे पास क्या है कि हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 आए, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 आए। तो 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 2 देखो, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 आए, दैट इज 2 3 6। ठीक है, अब जब मैं 3 के आगे करूँगी तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 आए, 2 से। अब ये तो सेम हो जाएगा ना, तो मैं इसको नहीं लूँगी, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ तक ही करेंगे। जहाँ पे आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अभी दो ही नंबर्स आए हैं, अब 1 आया है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स कि जो फैक्टर है 6 के वो कौन कौन से हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। हमें फैक्टर्स फाइंड करने सीखते हैं, मेथड्स हैं जिससे हम किसी गिवन नंबर के फैक्टर्स जो है फाइंड आउट करना सीखेंगे। दो मेथड्स होते हैं, मेथड नंबर 1 इज बाय मल्टीप्लिकेशन, मेथड 2 इज बाय डिवीजन। पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करने हैं फैक्टर 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड में, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। किस वे में, जैसे भी 1 है, 1 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा ना, मतलब नेचुरल नंबर्स को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास गिवन नंबर आ जाए। अब 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा। अगर मैं 2 को देखती हूँ, अब मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 6 आए, दैट इज 3 ना। आगे 3 देखते हैं, 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, दैट इज 2, 3 2 6। अब 4 तो आएगा नहीं, 5 पे नहीं आएगा, 6। 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से, ताकि मेरे पास 6 आ जाए। अब यहाँ देखो, औरतों के नंबर नहीं है ना कि दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 6 आए, नहीं है, यहीं तक होंगे। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, एक तो 1 आया, 2 आया, 3 एंड 6, ये 4 नंबर ऐसे आए हैं जिसको मैं अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6 आता है। तो ये 1 2 3 एंड 6, ये मेरे पास क्या होगा, फैक्टर होंगे 6 के। सो 1 2 3 एंड 6 क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के। ये जो मेथड है ये है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है डिवीजन, बाय डिवीजन। इसमें क्या करते हैं, आपने जैसे अभी 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो 6 को पहले आप
मतलब जो गिवन नंबर है जिसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे 6 है, 6 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो 6 ही आएगा। 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आया, 3। 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2। 6 को मैंने 6 से डिवाइड किया 1। ये सारे नंबर्स जो हैं, जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 6 को, तो मेरे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब भी हम वो नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो वो नंबर जो है वो क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 6, ये वो नंबर्स हैं जिनको मैं अगर 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 1, 2, 3 और 6 जो हैं ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 6 के। ये जो दो मेथड्स हैं ये हैं फैक्टर्स निकालने के गिवन नंबर के। नेक्स्ट इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 इज, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। जो 1 है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है 0 को छोड़ के। सेकेंड इज, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द इटसेल्फ। हर एक नॉन जीरो नंबर लाइक 1, 2, 3, नॉन जीरो नंबर का होता है 1, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो खुद के फैक्टर्स होते ही हैं। थर्ड इज, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। अब जैसे आपने ऊपर फैक्टर्स निकाले हैं तो सबसे छोटा फैक्टर जो है 1 ही आ रहा है ना, यहाँ पे जब अपने फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है। तो जो 1 है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है, और जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होता है नंबर इज द नंबर इट्सेल्फ। जब हमने किसी नंबर के लार्जेस्ट फैक्टर के बारे में देखते हैं तो वो खुद ही होता है। सबसे स्मॉलेस्ट 1 होता है हमेशा, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी गिवन नंबर का वो इट्सेल्फ ही होता है। इफ फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसके अकॉर्डिंग किया है, जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि अब 6 के फैक्टर्स निकाल रही थी तो 2, 3, 6 आया ना। अब जो फर्स्ट नंबर है, अभी मेरा मतलब यहाँ पे जो 2 है ये मेरा 6 का फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर ये जो है ये मल्टीपल होगा 2 का। अब जैसे अभी मैं 2 × 3 करा तो मेरे पास 6 आया। अब इसके अकॉर्डिंग 2 जो है 6 का फैक्टर हुआ, ठीक है। अभी मैंने मेथड जो आपको बताया बाय मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, 2 जो है वो 6 का फैक्टर हुआ। अब ये जो 6 है ना ये क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल की डेफिनेशन याद है ना, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है हर एक मल्टीप्लाइड नंबर का, ठीक। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको माइंड में रखने थे। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है दैट इज इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर को कैसे पहचानते हैं। जब भी किसी नंबर में इफ अ डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8, जब भी किसी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। अगर डिजिट जो है वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर क्या होगा, ओड होगा। अगर लास्ट प्लेस पे डिजिट पे सॉरी वंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वो नंबर इवन नंबर होगा। अदरवाइज अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो नंबर आपका ओड नंबर होगा। एग्जाम्पल है 28, 564, 153, 278, 961। ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि कौन सा नंबर ऑड और कौन सा इवन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इवन में जो वंस प्लेस होता है उस पर जो डिजिट है अगर इनमें से कोई है तो वो इवन होगा। तो देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे डिजिट कौन सा, 8 ना, 4 है यहाँ पे, 3 नहीं 8 है, ठीक है। तो मतलब आपने लास्ट डिजिट चेक करना है। ये नंबर जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये सारे जो है 8, 4, 8।